अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें मुंबई लोकेशन में हॉस्पिटलिटी सेक्टर में नौकरी चाहिए, वेल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है पता है, क्योंकि इसमें 8वीं पास लोग की भर्ती चलेगी। वेल ये बता दूं मैं आपको कि देखिए आप लोग अगर फ्रेशर्स हो, यहाँ पे थोड़ा काम का अनुभव तो लिखा गया, मगर हाँ अगर आप फ्रेशर्स हो, आपका उम्र 40 साल के अंदर है और आप 8वीं पास हो, वेल आपके लिए नौकरी है मुंबई में। बहुत सारे फैसिलिटीज, लगभग ये 10 प्रकार की फैसिलिटी के साथ में 5 साल का मतलब 7 लाख का सुरक्षा बीमा सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट ये जॉब नहीं बल्कि जॉब कहीं बेहतर है आपके लिए मुंबई लोकेशन में हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, फ्री में नौकरी है। आपको पता है फाइंड जॉब्स वैकेंसी के माध्यम से हम जितना भी अपडेट आपके साथ में शेयर करते हैं ना जी, वो सब के सब फ्री होते हैं। यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया रवि चौहान सर का। यह जॉब बिल्कुल मुफ्त है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यह वीडियो को जहां तक हो अपने दोस्त में ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, मैं तो बोलता हूं एक शेयर नहीं बल्कि 10-10 शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर एक लोगों को कम से कम रोजगार के काबिल करती है और उनका बेरोजगारी दूर करती है। तो यहाँ पे चलिए फिलहाल टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्री जॉब स्थान जो है अंधेरी पश्चिम में होने वाला है, नामांकित अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल नामांकित है, वन ऑफ द बेस्ट होगा जॉब्स आपके लिए। यहाँ पे देखिए एजुकेशन से न्यूनतम 8वीं पास शिक्षा होना जरूरी है। अब देखो 8वीं पास वेल सभी के सभी होते हैं, इसमें 8वीं पास सो नॉट हायर एजुकेशन वेल सबका होता है। अगर एजुकेशन भी नहीं है तो चल जाओगे, थोड़ा काम का अनुभव की आवश्यकता होना चाहिए, आयु जो है 40 साल के भीतर होना चाहिए, रिज्यूम और आधार कार्ड तैयार करके लाना आवश्यक है। आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि एजुकेशन तो 8वीं पास मांगा गया है, बट रिज्यूम क्या हैगा? तो देखिए ये बात समझना जरूरी है, अभी के टाइम में अगर अनपढ़ लोग भी काम करने जाते हैं तो रिज्यूम में आपका डेटा रहता है, जैसे कि आपका नाम रहता है, आपके फादर का, आपके मदर का, और आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है, ईमेल आईडी रहता है, तो वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गएंगे, इसके बारे में अब हम रिपीट नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। वेल आगे चलिए टॉपिक पे आते हैं। फायदा के बारे में बात करूँ तो हर महीने के 1 तारीख को आपका सैलरी मिल जाएगा, टाइमली टू टाइमली हर महीने का 1 तारीख 1 तारीख आपका पेमेंट हो जाएगा, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रहेगी, ईएसआई मिलेगा आपको, मतलब ईएसआई बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके हेल्थ को लेकर के, तो ये ईएसआई मिलेगा, पीएफ मिलेगा, पीएफ तो आपके लाइफ के लिए, आपके कैरियर सेटलमेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो ये पीएफ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको फैसिलिटी के तौर पर। जी हाँ, अब 7 लाख का सुरक्षा बीमा मिल रही है, ये बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंटेड है कि आप एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करोगे और आपको 7 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा, यहां पे देख सकते हो। अब देखिए लीव प्रतिवर्ष 24 छुट्टी अतिरिक्त मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंटेड ये है कि जो साल साल भर के कंपनी में काम करते हैं उनको जॉब्स की गारंटी नहीं होती, यहाँ पे आपको साल भर काम करोगे और 24 दिन की छुट्टी मिलेगी, वो पेड लीव होगा, मतलब वो छुट्टी का आपको पैसा भी मिलेगा, हर साल बोनस मिलेंगे, यूनिफॉर्म और जूते भी मिलेंगे, और बैंक के खाता में आपका सैलरी आएगा, कंपनी में 5 साल की पूर्ण सेवा के बाद में आपको ग्रेच्युटी भी मिलेगा, तो ये आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते बताते वार्ड बॉय पीसीए एससीए काम करने के लिए पुरुष और महिला चाहिए। अब यहां पे देखिए वार्ड बॉय का नाम आ गया तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वार्ड बॉय में सिर्फ लड़के चलेंगे, जी नहीं, यहां पे पुरुष और महिला दोनों चाहिए। भर्ती इस प्रकार से है, यहां पे आईएसएस फैसिलिटी सर्विस की तरफ से है, पेशेंट को संभालने के लिए केवल 20 सीटें खाली है। जी हां दोस्तों, वार्ड बॉय का वेतन रहेगा 13,360 रुपए ग्रोस रहेगा, तो इन हैंड थोड़ा कम आएंगे, बट हाँ आप लोग कॉल करके टॉकिंग कर सकते हो। 1 घंटा के लिए ओवर टाइम अगर मिलता है, 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, तो प्रति घंटा आपको 100 रुपए ओवर टाइम मिलेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर रवि चौहान सर का दिया गया, वेल कॉल कर सकते हो। यह जॉब बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद।